बैंकों के 9000 करोड़ से ज्यादा रुपए लेकर विदेश भाग चुके बिजनेसमैन विजय माल्या ने भारत आने के लिए सरकार के सामने दो शर्तें रखी हैं। माल्या ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूनाइटेड ब्रेवरीज के बोर्ड को कहा कि वो तभी भारत आने के लिए तैयार होंगे जब उनकी आज़ादी बरकरार रहे और पूरी सुरक्षा मिले। साथ ही माल्या ने यह भी कहा कि वो पूरा कर्ज चुकाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए बैंकों से उनकी बातचीत भी हो रही है। माल्या ने कुछ दिनों पहले बैंक से सेटलमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने 6868 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, जिसे बैंकों ने ठुकरा दिया। वहीं केंद्र सरकार माल्या की वापसी के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रही है।